हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हरे महादेव। मैं आपका आचार्य आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे वास्तव में ज्योतिष है क्या। देखिए, ज्योतिष के जितने प्रशंसक मिलेंगे उससे ज़्यादा इसके विरोध करने वाले मिलेंगे। लेकिन मज़े की बात एक और है कि हर व्यक्ति अपना भविष्य जानना चाहता है। तो वास्तव में क्या ज्योतिष सिर्फ भविष्य वाचने का विषय है या इसको व्यापक फलक पर देखने की आवश्यकता है? तो जब आप इसके व्यापकता में जाएंगे तो आता है कि ज्योतिष वेद का नेत्र है। ज्योतिष के जो छह अंग हैं उसमें प्रथम अंग क्या है? नेत्र। नेत्र क्यों कहा गया? जब इस धराधाम पे आप आते हैं तो सबसे पहले परिचय आपका नेत्र के माध्यम से होता है। एक और मजे की बात, संसार में सब कुछ आपको सिखाया जाता है, एक ही चीज़ नहीं सिखाया जाता, वो देखना। आप पैदा होते हैं तो आपको देखना सिखाया नहीं जाता, अपने आप आँखें खुल जाती हैं और आप आंखों के माध्यम से परिचय प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा पिता है, ये हमारी माँ है, ये हमारे रिलेशन में है। तो और चीज़ों के लिए आपको बोलने के लिए सिखाना पड़ेगा, खाने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा, चलने के लिए सीखना पड़ेगा, दौड़ने के लिए सीखना पड़ेगा, लिखने के लिए सीखना पड़ेगा। लेकिन एक ही ऐसी चीज़ है जिसको आपको सीखना नहीं पड़ेगा, वो क्या है? देखना। जन्म लेते ही आप देखना आरम्भ कर देते हैं, ये ज्योतिष का थाट है, इसीलिए इसको नेत्र कहा गया। अगर नेत्र के बिना जीवन कितना कष्टमय होगा। कुछ लोगों के साथ जिनके साथ दुर्घटना हो गई उनसे पूछिए उनका जीवन कैसे है। तो ज्योतिष वेद का नेत्र है। अब जो लोग विरोध करते हैं वो लोग अपने नेत्र साइड में रख के देखें उनके जीवन में कितनी मुश्किलें आएंगी। उसी तरह ज्योतिष जीवन को व्यापक फलक पे समझने के लिए परमात्मा के द्वारा प्रदत्त नेत्र है। अब कुछ लोग आँख में पट्टी बांध लें ये उनकी परेशानी हो सकती है। ज्योतिषा सूर्यादि ग्रहण बोधकम शास्त्रम। ज्योतिष जो है सूर्यादि जितने ग्रह हैं उनके बोध माने उनको जानने का शास्त्र है। इस जगत में पूरे ब्रह्मांड में ग्रह, पृथ्वी और उनके बीच में हम, ग्रहों का पृथ्वी पे असर कैसे पड़ेगा, उसके बीच में उसका असर मानवों पे कैसे पड़ेगा, इसका जो अध्ययन है ये ज्योतिष शास्त्र है। कुछ लोग बोलते हैं कि शनि इत्यादि ग्रह इतने दूर हैं उनका असर कैसे पड़ेगा। तो उनको छोटी सी बात है कि जब सूर्य इतने दूर है लेकिन उसकी रश्मि इतनी तीव्र गति से पृथ्वी पर आती है कि अप्रैल के बाद लेकर जून तक आप धूप में खड़े नहीं हो सकते, तो और ग्रहों की रश्मियाँ आपको क्यों कनेक्ट नहीं करेंगी। अब कुछ लोग बोलेंगे हमें दिखता नहीं तो मानते नहीं, तो दिखने के लिए तो बहुत कुछ नहीं दिखता आपको। दूध में घी होता है लेकिन घी प्राप्त करने के लिए उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, दूध को पकना पड़ेगा, जमना पड़ेगा, दही बनना पड़ेगा, मट्ठा बनना पड़ेगा, मक्खन निकालेंगे, उसके बाद घृत निकलेगा, इस तरह की प्रक्रिया से निकलेगा। आपके पास मोबाइल है, आप बोलोगे नेटवर्क तो हमें दिखता नहीं है लेकिन नेटवर्क मोबाइल में है, हवा तो दिखती नहीं लेकिन हवा तो चलती है। तो जो आपको दिखे वही हो जरूरी नहीं है, ज्योतिष उसी को दिखाने की विधा है, लेकिन आपको आँख लेने से इनकार कर रहे हो। तो ज्योतिष शास्त्र परमात्मा के द्वारा प्रदत्त मानव मात्र के लिए वह विधा है जिसके द्वारा वह अपने चारों पुरुषार्थ को ठीक कर सकता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ज्योतिष को जब आप गंभीरता से समझेंगे तो ज्योतिष में इसमें चार पार्टों में डिवाइड किया गया है कुंडली को। अब इन चार पार्टों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पार्टों में डिवाइडेशन हुआ है और ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत व्यापक महत्व है। हमारे जीवन पे हर वस्तु का महत्व है। इवन देन आपके अगल बगल कोई पहाड़ खड़ा है तो आपको दिखने में लगेगा कि इसका महत्व नहीं है लेकिन उसका भी व्यापक महत्व है। वो पर्वत हवाओं को रोकेगा, बादलों को रोकेगा, वर्षा कराएगा। आपके पास हो सकता है सूखा हुआ वृक्ष खड़ा हो, उसका महत्व आपको ना लगे लेकिन उसका भी व्यापक महत्व है। हाँ, आपकी जितनी बुद्धि है आप ना समझ सकते हैं। समुद्र की लहरों को चंद्रमा की रश्मियाँ मथ के रख देती हैं, जड़वत समुद्र की लहरों को मत के रख देती हैं। और हमारा ज्योतिष शास्त्र पहले बता देता है इस दिन इतने बजे हाई टाइड आएगा। हमारे सनातन धर्म में 100 रुपये का पंचांग नासा वालों पर भारी पड़ता है, पहले बता देता है इस डेट पे ग्रहण होगा, इतने मिनट से इतने मिनट तक ग्रहण होगा, तिथि का उदय इतना होगा, चंद्रमा इस तिथि को देख लीजिए, अपनी ईद मना लीजिए, 100 रुपये का पंचांग बताता है, फिर भी विरोध। दरअसल हमने अपनी मानसिकता गुलाम वाली रख ली है।
और ये मानसिकता आज की नहीं है, बहुत दिन से है। विवेकानंद को विवेकानंद तब तक नहीं माने जब तक विवेकानंद शिकागो में जाके अंग्रेजों के द्वारा ठप्पा नहीं लग गया कि नहीं आप विवेकानंद हैं। विवेकानंद जी यहाँ भी थे, उतने ही ज्ञानी थे, लेकिन जब पश्चिम वालों ने हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया तब हमने मान लिया कि नहीं आप विवेकानंद जी तो बहुत महान है। ये आंखें दान करके चश्मा लगाने की जो परंपरा है ना, ये घातक है। आप इतिहास पढ़िए तो कहते हैं भारतीयों की एक ही देन है, जीरो की देन, तो नवग्रह कहाँ से आए? नवग्रह हमारी ही देन है। दरअसल हमारे इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया कि हमें लगता है कि ताजमहल ताजमहल ही है, तेजोमय मंदिर नहीं है, वो कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ नहीं है, कुतुब मीनार ही है। कुछ लोग आपके घर पे कब्जा करके स्टिकर लगा देते हैं और आप मान लेते हो कि उन्हीं का घर है। इस गुलाम की मानसिकता से हमें बाहर आना पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। आप अंग्रेजी में जब बात करेंगे तो ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ठप्पा आजकल मार्केट में अंग्रेजी का चल रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र परमात्मा के द्वारा मानव मात्र को दिया हुआ विधान है, जिससे आप अपने वर्तमान को, भूतकाल को, भविष्य काल को, तीनों को देख सकते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों को देखने की प्रक्रिया है। क्या फायदा है इसे, कैसे उपयोग में लाए? देखिए, इसका उपयोग आज से नहीं अनाज काल से होता आ रहा है। एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। जो इन लोगों से आप ठप्पा लगवा के खुश होते हैं, उन लोगों ने आपके संस्कृत का, आपके कहानियों का अनुकरण किया, लेकिन गलती अनुकरण करने में हो गई। हम द्वापर काल में देखिए, भगवान कृष्ण के साथ पैदा होने की जो कंडीशन होती है, वही कंडीशन यीशु के साथ पैदा होने की होती है। उनके पैदा होने के पहले भविष्यवाणी होती है, भविष्यवाणी यहाँ भी होती है, लेकिन महाभारत काल के घटना का अंकन करते हुए थोड़ी सी गलती कर गए। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ कुंती के साथ हुआ था, वैसे उन्होंने मरियम के साथ कर दिया। घटना उन्होंने वही ग्रहण की, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि नकल करने में गलती हो जाती है, सेम सारी घटना वही हुई। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, तुम्हें मारने वाला पैदा होने वाला है, जैसे भगवान कृष्ण पैदा हुए वैसे उनको पैदा किया गया, और उनका ठप्पा लगा कि हम आप खुश हैं। वो हमें बताते हैं कि आप सर्टिफाइड हैं, आप उनकी डिग्री लेकर खुश रहते हैं। तो द्वापर काल से हम स्टार्ट करते हैं। द्वापर काल में भगवान कृष्ण जब पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद उनके ऊपर बहुत अनिष्ट माने राक्षस आक्रमण करना शुरू कर दिए। तो गर्गाचार्य जी के पास गए, गर्गाचार्य जी ने उनको एक उपाय बताया, ज्योतिषी उपाय बताया। अब इसका शास्त्रों में अंकन नहीं है, लेकिन आप ज्योतिष पढ़ेंगे समझ में आएगा। जब वो पैदा हुए तो गुरु की महादशा चल रही थी। वृषभ लग्न में गुरु जो होते हैं ना, वो परेशानी देने वाले होते हैं, अष्टमेश हो जाते हैं, तो मृत्युतुल्य कष्ट आ रहे थे। तो उन्होंने उस मृत्युतुल्य कष्ट को काटने के लिए क्या किया कि वो भगवान कृष्ण के सिर पे मोर पंख लगवा दिया, क्योंकि मोर पंख जो है गुरु की रश्मियों को कनेक्ट करता है, गुरु की रश्मियों को संतुलित करता है, नकारात्मकता को दूर करता है। और उसके पश्चात भगवान कृष्ण मोर पंख पहने ही रह गए। तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो हजारों हजार वर्ष पूर्व का है। यह ज्योतिष शास्त्र अनादिकाल से चल रहा है, और अनादिकाल माने अंत तक, मानव सभ्यता के अंत तक चलता रहेगा। भाग्य वाचने का या ज्योतिष पढ़ने का भारतवर्ष में 12 विधाएं हैं। कुंडली ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, शस्त्रेखा ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, नंदी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष। वो सिर्फ आपके ना अंगूठा मात्र से, एक अंगूठा ज्योतिष होता है, अंगूठा शास्त्र बोलते हैं, वो सिर्फ इसका आपका लेके बता देते हैं आपका भूत, भविष्य, वर्तमान। और आजकल आधार कार्ड में भी आपकी यही पहचान है, तो बहुत व्यापक महत्व है। अंग ज्योतिष, टैरो कार्ड और चीनी ज्योतिष, ये ज्योतिष को जानने की विधाएं हैं, मार्ग हैं। माने जैसे अगर आपको भारतवर्ष में दिल्ली पहुंचना है, तो आप इलाहाबाद में पहुंच सकते हैं, अहमदाबाद में पहुंच सकते हैं, बॉम्बे में पहुंच सकते हैं, पहुंचना आपको दिल्ली है। तो ये जो विधाएं हैं वो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हैं। क्या काम करती है ज्योतिष? ज्योतिष काम करती है आपके धर्म, अर्थ, काम को संभालते हुए मोक्ष की ओर ले जाने का। कैसे? आप जब कुंडली बनाते हैं, अच्छा कुंडली कैसे बनती है? ब्रह्मांड को लगभग 12 भागों में बांटा गया है, जहाँ जो सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्र लगाते हैं उस पथ को 12 भागों में बांटा गया है। वहाँ पे एक नक्षत्रों का मंडल है, उन मंडलों को राशियों की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मांड को 12 भागों में डिवाइड किया गया है, और पृथ्वी को भी 12 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो जो डिवाइडेशन है वो राशियाँ कहलाते हैं। हमारे ऊपर
ग्रह, नक्षत्र, राशि, इन तीनों का प्रभाव पड़ता है। इन्हीं का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ये काम कैसे करते हैं? तो काम करने के लिए जैसे चंद्रमा की रश्मियां, सूर्य की रश्मियां, गुरु की रश्मियां आपको कनेक्ट करेंगी, तो ये उनके अंदर जो तत्व हैं वो तत्व आपके अंदर प्रोवाइड करेंगे। जो आकाश तत्व के ग्रह हैं वो आकाश तत्व को देंगे, जो अग्नि तत्व वाले हैं अग्नि तत्व को दे देंगे, जो जल तत्व वाले ग्रह हैं वो जल तत्व को देंगे। जो ग्रह की कनेक्टिविटी कमजोर हो जाएगी उस तत्व की आपके अंदर कमी हो जाएगी। अगर गुरु बुध की कनेक्टिविटी कमजोर हुई तो आपके अंदर वाणी शक्ति कम हो जाएगी, उपचार की शक्ति कम हो जाएगी। आप कह सकते हैं कैसे, हम चार लोग हैं तो चारों लोगों के साथ एक साथ जो है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चारों लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं, आप अपना मोबाइल निकाल लीजिए, आपके पास किसका मोबाइल है, एयरटेल का है या जियो का है, वोडाफोन का है, आप एक ही टावर के नीचे आप लोग बैठ जाइए, लेकिन चारों लोगों के मोबाइल में एक जैसा टावर नहीं आएगा। आप सिम किसके लगाते आए, सिम का सेंस यहाँ पे आपके लग्न का लाड़ कौन है। तो बस ऐसे ही समझिएगा, ज्योतिष हमारे जीवन को समझने की विधा है, हमारे जीवन के लिए है। तो कुंडली जब आपकी बनती है तो जो पूर्वी क्षितिज पे उस समय पृथ्वी घूम रही होती है उस पार्ट को हम लग्न बोलते हैं, और जहाँ पे चंद्रमा बैठता है उस पार्ट को हम राशि बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। वहाँ से हमारा जब लग्न चार्ट बनता है तो लग्न चार्ट को 12 भागों में विभाजित किया जाता है। 12 भागों में चार पार्ट होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो प्रथम पार्ट होता है वो धर्म का होता है, यतो धर्मा ततो ज्या, धर्म से स्टार्टिंग है। लग्न पंचम नवम आपके धर्म के हैं, आप धार्मिक होंगे कि नहीं, आप धर्म के काम करेंगे कि नहीं, आपके कौन से प्लेनेट बैठे हैं जो धर्म का काम आपको कराएंगे या धर्म से आपको विमुख कराएंगे, अर्थार्जन कितना करेंगे, सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और टेंथ हाउस अर्थार्जन के लिए बताएगा। अर्थ का घर है, अर्थ यहीं से आपको बताएगा, आपकी कोई रुकावट आ रही है तो वो आपका जो एस्ट्रोलाजर होगा, जो दैवज्ञ होगा, वो आपको बताएगा इन रश्मियों को कनेक्ट करिए, इन रश्मियों को डिस्कनेक्ट करिए। थर्ड काम, तृतीय भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव, ये काम के घर हैं। जीवन में आप कितना काम करेंगे, जीवन में आपके अंदर संघर्ष कितना होगा, आपको जीवन साथी कितना सुख मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। और अंत में मोक्ष, मुक्ति, पहला भाव, चतुर्थ भाव, मन का भाव है। मन अगर मुक्त नहीं हुआ तो फिर मुक्त नहीं कर सकते अपने आप को। उसके बाद अष्टम भाव, ज्ञान का भाव है। द्वादश भाव, ये मुक्ति के भाव है, मोक्ष के भाव है। तो ज्योतिष शास्त्र सिर्फ भाग्य बांचने का विषय नहीं है, ज्योतिष शास्त्र मानव के जीवन की नियमावली है। उस नियमावली को आप अडाप्ट करके, धारण करके अपने जीवन को धर्मयुक्त कर सकते हैं, अपने जीवन को अर्थयुक्त कर सकते हैं, काम में जो परेशानी आ रही है उसको दूर कर सकते हैं। या आपके जीवन में हो सकता है ऐसे ग्रह बैठ जाए आप काम से, आप अध्यात्म मोक्ष की ओर ना जा पा रहे हो, तो उनकी रश्मियों को कैसे डिस्कनेक्ट करना है, और मोक्ष के मार्ग में जो ग्रह बाधक बन रहे हैं, या आपके कुंडली में आपके रिलेशनशिप में कौन वो व्यक्ति है जो मोक्ष के मार्ग को आपके लिए प्रशस्त करेगा। क्योंकि याद रखिएगा, हमारे आपकी उत्पत्ति का मूल कारण, मुख्य प्रयोजन मुक्त हो जाना है। मोक्ष ही इस जीवन के अंतिम प्रयोजन है। उस प्रयोजन के लिए ज्योतिष विधा का आप उपयोग करिए। आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में जो ऐसे ग्रह बैठे हों जो मुक्त ना कर रहे हों, उनका उपाय करिए। आप पता करिए आपकी कुंडली में, आपके रिलेशनशिप में कौन है जो आपको मुक्ति प्रदान करने में सहायक होगा। आपकी कुंडली बताती है कि आप मुक्त कैसे होंगे, किसके सहायता से आप मुक्त होंगे, किस अवध में मुक्त होंगे, या जीवन में आपको और कितने क्रम और लगाने पड़ेंगे, कितने और चक्कर लगाने पड़ेंगे। मेडिकल साइंस अपने आप में परफेक्ट है, प्रॉब्लम क्या होती है, डॉक्टरों में होती है। ज्योतिष अपने आप में 101% परफेक्ट है। अब परेशानी क्या होती है, परेशानी ये होती है कि जो दैवज्ञ होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिषी मार्केट में आपको 3-4 तरह के मिलेंगे। 100 ज्योतिषी को आप पकड़ेंगे तो उसमें से 60 ज्योतिषी जो है वो मिलेंगे आपको जो हॉस्पिटल में कंपाउंडर जैसे होते हैं, 50 से 60 ज्योतिषी ऐसे मिलेंगे। बस वो छोटा मोटा चीरा उरा लगा लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, दवा भी दे देते हैं, पैरासीटामॉल ले लो, ये ले लो, बस मोटा मोटा जानकारी। वही लोग मार्केट में छाए हुए हैं, यही लोग कुंडली मिलान करके बोलते हैं आपका दाम्पत्य जीवन शुभ होगा, या मंगली है, या नाड़ी दोष है, या बकोट दोष है, कुछ न कुछ यही लोग बताते हैं। 30% लोग मार्केट में ऐसे हैं जो MBBS जैसे हैं, माने अच्छा ठीक ठाक जानते हैं।
लेकिन वो प्रखर होकर काम नहीं कर रहे हैं, साइड में अपना बिजनेस चला रहे हैं। 10% लोग MD है, 10% लोग ने एकदम रिसर्च कर रखी है, वो लोग जो काम करेंगे तो 100% आपका काम फलित होगा। अब ज़्यादातर आपको मार्केट में कौन मिलेंगे? झोला छाप डॉक्टर। अब झोला छाप डॉक्टर से आप काम कराएंगे, बाद में ज्योतिष बदनाम करेंगे, या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले डॉक्टर से काम कराएंगे तो उसको जितना नॉलेज उतने न करेगा। इसलिए ज्योतिष पे पूर्णतः विश्वास रखिए, लेकिन अच्छे ज्योतिषी की तलाश करिए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तलाश करिए। अच्छा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता कैसे है? शास्त्र हमारे कहते हैं ज्योतिष को दैवज्ञ, दैव माने भाग्य, अज्ञ माने जानने वाला। जो भाग्य को जानने वाला हो वो दैवज्ञ होता है। अब शास्त्र हमारे कहते हैं कि जो दैवज्ञ होता है उसका जो व्यक्तित्व है वो अंदर और बाहर दोनों से उदात्त होना चाहिए, सबके लिए काम करने वाला हो, पैसे के लिए काम करने वाला ना हो, अनुकरणीय होना चाहिए। उसके जो कर्म हैं अनुकरणीय होने चाहिए, वह स्वतः शांत होना चाहिए, विद्या विनय से युक्त होना चाहिए, शास्त्रों के प्रति उसको उसका समर्पण होना चाहिए। स्वभाव से ऐसा दैवज्ञ, और स्वभाव से जो जातक है जो दैवज्ञ बनने की ओर है वो परोपकारी होना चाहिए, जितेंद्री होना चाहिए, अपने वचन का पालन करने वाला होना चाहिए, जो बोल दिया उसको पालन करे, सत्यवादी होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए और आस्तिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्योतिष में बात करता है और भगवान में विश्वास नहीं करता। निंदा विमुख होना चाहिए, किसी का निंदा ना करे। अगर इतने गुण हैं तब वह व्यक्ति दैवज्ञ हो सकता है। और एक बात, अपने इष्ट का साधक होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ ग्रहों की वजह से आप दैवज्ञ नहीं बन सकते, ग्रहों की वजह से आप कंपाउंडर बन सकते हैं, ग्रहों की वजह से आप MBBS बन सकते हैं, लेकिन MD बनना है तो आप अपने पंचमेश को साधिए, अपने इष्ट को साधिए। जब अपने इष्ट को आप साध पाएंगे तभी आप दैवज्ञ बन पाएंगे। तो ये ज्योतिषी के लक्षण हैं। उपयोगिता और क्षेत्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मैंने बताया। आप स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है ज्योतिष शास्त्र। डॉक्टर आपको रोग होने के पश्चात बताता है कि आपको रोग है, लेकिन एक दैवज्ञ, एक ज्योतिषी आपको आपके जीवन में 10 साल पहले 20 साल पहले बता देगा कि इस अवस्था में आपको ये रोग होगा, इस अवस्था में दुर्घटना होगा, इसलिए उस टाइम हेलमेट जरूर लगाना। या आपको रोग होने वाला है तो उसके लिए आप आयुर्वेद में चले जाइए, योग में चले जाइए, प्राणायाम में चले जाइए, खान पान में सुधार कर लीजिए। डॉक्टर बताए उसको पहले आपको ज्योतिषी 10 साल पहले बता देगा। शिक्षा के लिए एजुकेशन आप क्या लें, कैसे लें? बहुत से लोग एजुकेशन कुछ और करते हैं, भविष्य उनका कहीं और जाके होता है। तो आप कम समय में सफलता प्राप्त कर सके उसके लिए आप इसका उपयोग करें, क्योंकि अगर आपको पद सही मिल गया तो मंजिल मिलने में समय नहीं लगेगा। व्यवसाय के लिए कौन से व्यवसाय करें? सारा व्यवसाय आपको सूट करेगा क्या? आपके राशियाँ क्या कहती हैं, कहाँ पर आपको व्यवसाय सूट करेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। आप घर पर सफल होंगे, बाहर सफल होंगे, देश में सफल होंगे, दूसरे प्रदेश में सफल होंगे, तो उस प्रदेश के किस जिले में सफल होंगे, तो प्रदेश का जिले का क्या नाम होना चाहिए, आपके दशमेश की जो राशि है वो कहाँ बैठी है, किस ओर इशारा कर रही है, इसके लिए आप उपयोग करें। नौकरी के लिए उपयोग करें, नौकरी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी सरकारी, मिलेगी प्राइवेट मिलेगी, इसके लिए ज्योतिष का उपयोग करें। धन संबंधी परेशानी के लिए ज्योतिष का उपयोग करें, धन नहीं आ रहा है, ऋण हो गया है, शत्रु ले गए हैं, धन फंस जाएगा, धन आप सट्टा में लगाना चाहते हैं, लॉटरी में लगाना चाहते हैं, फंसेगा तो नहीं, इसके लिए प्रयोग करें। रोग आपको कब कहाँ कितना होगा, या रोग लंबे होंगे तो उसके लिए क्या उपचार है, पहले से आप सोच के रखें। LIC भी आप, मैं तो कहता हूँ LIC वालों को ज्योतिषियों से मिलकर LIC कराना चाहिए, ज़्यादातर लोगों के ऐसे ही चली जाती है LIC। विवाह के लिए आपका दाम्पत्य जीवन कब होगा, विवाह कब होगा, कैसा होगा, उसको हम कैसे सुगम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जीवन साथी का स्वभाव अगर आपको पहले से पता है तो उसको आप समझने में आपको आसानी होगी, चिक-चिक नहीं होगी, जूते में दाल नहीं बटेगी, प्यार से समझा लेंगे। संतान के लिए, संतान आपको कितनी होगी, कब आप प्लानिंग करेंगे, एक अवस्था के बाद आप प्लान करेंगे तो नहीं हो पाएगी, आपका ग्रह बताएगा इस समय से इस समय प्लान कर लो, नहीं बाद में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। जो ज्योतिष है ना, ये वर्ष भर की प्लानिंग है। जब स्टार्टिंग में हुआ था ना तो एक्चुअली वर्षा की प्लानिंग से हुआ था। भारत पूरा विश्व कृषि पे आधारित था, तो लोग देखते थे कि कौन से नक्षत्र में वर्षा होगी, और वर्षा से फिर वर्ष बना। ती प्लानिंग का है, वर्ष भर का प्लानिंग करें, जीवन भर का प्लानिंग का है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में वर्ष भर प्लानिंग से स्टार्ट हुआ ज्योतिष, वर्ष से ही, वर्षा से ही वर्ष बना।
तो संतान के लिए आप कर सकते हैं, माता पिता का आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माता पिता कब तक आपके साथ रहेंगे उनकी प्लानिंग आप कर सकते हैं, जीवन में लाभ हानि की प्लानिंग कर सकते हैं, यश कितना मिलेगा आपको इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, विदेश गमन होगा कि नहीं होगा इसकी आप प्लानिंग कर सकते हैं, दुर्घटना जीवन में कब कहाँ कैसे मिलेगी इसकी प्लानिंग कर सकते हैं, आपको एजुकेशन से मान सम्मान मिलेगा, कर्म से मान सम्मान मिलेगा, आपका बच्चा खिलाड़ी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, नेता बनेगा, क्या बनेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो ज्योतिष में प्लान कर सकते हैं। और अंत में सबसे अच्छा प्लान ये कर सकते हैं वो कौन सा मार्ग है जो हमें मुक्ति देगा, वो कौन सा रिलेशनशिप है जो हमारे मुक्त होने में हमें सहायक होगा, वो कौन सा हमारा गुरु मिलेगा, हमारा रिश्तेदार मिलेगा, हमारा बच्चा मिलेगा जो हमें उस मार्ग तक पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य मुक्त होना ही है। विद्वान लोग कहते हैं कि यह संसार उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, जब ज्योतिष पे आप जाएंगे तो बिल्कुल सही पाएंगे। हम लोग पत्ते से रिसर्च करना शुरू करते हैं, हम लोग जड़ तक जाते ही नहीं, हम पत्ते पे सीमित हो जाते हैं। दरअसल ज्योतिष जो है ना आध्यात्म का विषय है, ज्योतिष एक बहुत गहरा अध्यात्म है। इसकी सहायता से आप अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सहायता से आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्योतिष सिर्फ भाग्य वाचने का विषय नहीं है, ज्योतिष स्वविदा है जो संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए काम करती है, ज्योतिष स्वविदा है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की जो परिकल्पना है उसको ज्योतिष पूर्ण करती है। तो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में अद्भुत है। इसके जो ज्योतिष को परेशान किया गया है, ज्योतिष में परेशानियां आई हैं, वो ज्योतिष के कार्य करने वालों की वजह से आई हैं। एक माता पिता को मान सम्मान उसके बच्चों से मिलता है और अपमान भी बच्चों की वजह से उठाना पड़ता है। तो ज्योतिष को जो मान सम्मान दिलाया वो ज्योतिष के जो प्रमुख प्रवर्तक थे, दैवज्ञ थे, उन्होंने दिलाया। लेकिन आज के जो दैवज्ञ हैं वो ज्योतिष का अपमान करा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक वीणा उठाएं, हम सब मिलकर एक शपथ लें कि हम अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए 100 रुपये 200 रुपये लेके और अपना यूट्यूब पे ये नहीं लगाएंगे कि आओ आपका भविष्य बदल दें, हम बदनाम हो जाएं, ज्योतिष बदनाम ना हो। 2+2=4 ही होता है, ना तो 3 होगा ना 5 होगा। ज्योतिष अपने आप में परफेक्ट मैथमेटिक्स है। आप महाभारत का इतिहास देखिए तो महर्षि वेद व्यास को पता था कि क्या होगा, कौन जीतेगा। सहदेव को भी पता था कौन जीतेगा कौन हारेगा। भगवान कृष्ण को भी पता था कौन महाभारत में जीतेगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने सहदेव को मना कर दिया था कि तू नहीं बताएगा। रावण के साथ एक कहानी आती है कि रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया था। वो बंदी बनाना क्या है, रावण को वो विधा पता थी कि किस रेस को कनेक्ट करना है, किस रेस को डिसकनेक्ट करना है। बंदी बना लेने का मतलब हमारे साथ काम करेंगे, हमारे अनुसार काम करेंगे। शनि को लंका में बंदी बना के नहीं रखा जा सकता, सूर्य को लंका में बंदी बना के नहीं रखा जा सकता, लंका जल जाएगी। भारी नहीं क्षमता ही नहीं है, ठीक है ना। वो हमारी पृथ्वी, हजारों हजार पृथ्वी उसमें समा जाए, शनि में इतना बड़ा शनि है, और हजारों हजार शनि, लाखों शनि सूर्य में समा जाए, इतना बड़ा सूर्य है, तो बांधा नहीं जा सकता। उनकी रश्मियों को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो रावण के पास थी, इसीलिए बोला गया रावण ने ग्रहों को बंदी बना लिया। तो बहुत रोचक विषय है ज्योतिष। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। निश्चित रूप से ज्योतिष में जो परेशानी आ रही है उस विधा उस उन परेशानियों को हम लोग दूर करते हुए और रिसर्च करते हुए नए नए सिद्धांतों का, नए नए नियमावलियों का सृजन किया जाएगा, जो परेशानी आई हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए, हम बदनाम हो जाएं चलेगा, ज्योतिष बदनाम नहीं होनी चाहिए। राधे।